अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, आज देखिए इमली के पत्ते का पत्ता तोड़ के लाई मैं, बुकनी बनाती। उसके लिए एक मुट्ठी इमली ली, थोड़ा इसलिए बच्चे का आँख हरे अपन खाना पड़ता जो है। सो इमली का पत्ता लाई मैं और लाल मिर्ची, थोड़ा धनिया, रॉक सॉल्ट, जीरा, लहसुन। ये मिर्चियाँ जो है सो मैं ये तेल में फ्राई करती हूँ। ये जो है इसे तोड़ना है, ये इसे तोड़ के बताती हूँ। देखिए गैस पे रख दी मैं, ये तोड़ लेना लाल मिर्ची, तोड़ ले तो चटपट नहीं होते, नहीं तो ऊपर गिरते आंखों में। ये जो है इसे फ्राई करती हूँ और जो है इसे जीरा भी डालती हूँ। बहुत बुकनियाँ आते मेरे को, फल्ली के, तिल के, खोपरे के, वो अलसी के, मगर कहाँ खा रहे बच्चे, अब खाए अपन अकेले खाना पड़ता। ये फ्राई करके निकाल के बताते। ये फ्राई हो गई है और जो है सर ये इमली मैं अच्छा तोड़ ली, इसको अलग फ्राई करना है, तेल में नहीं फ्राई करना है, चिपक जाती। ऐसा फ्राई होने के बाद बताते, कलर चेंज हो गए बस, इतना हुआ था बस से ग्रीन जाके ब्राउन हो गए ना थोड़ा, सूखने के बाद पीसने चाहिए। और ये मिर्चियों में भी अपन तेल में नहीं फ्राई करते गाँव वाले, मैं तेल डाल के फ्राई करी। ये जो है सो ये तोड़ के साल भर रख लेते सुखा के, सूखे मिर्ची में, झींगों में, मच्छी में डाल के पका लेते लोग, बहुत अच्छा इसकी मिर्ची बहुत अच्छा रहता। अभी पीस के सूखने के बाद बताती। पीस ली में थोड़ा ब्राउन ग्रीन ऐसा है ना, लहसुन, नमक सब डाल के पीस ली, जीरा सब, टेस्टी है बहुत। मैं तो तोड़ते तोड़ते एक कच्चे ये भी खा ली मैं, खट्टा खट्टा है, बहुत टेस्टी है। मेरी फ्रेंड की बहू प्रेग्नेंट है, उनको थोड़ा देती मैं। अभी मैं डोसे डाल ली, डोसों के साथ यही खाऊंगी, गाँव को याद आ गए मेरा, बचपन याद आ गया, तो डोसे के साथ भी खा सकते आप, बहुत टेस्टी रहता। मुँह में पानी आ रहा ना, इमली मिसाल बोलते, इमली का झाड़ मर गई तो भी उसका खट्टापन नहीं जाता कहते, तो वैसा है, बहुत खट्टी खट्टी है माशाल्लाह। आप लोग भी ट्राई कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।